अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, भट्टी फूड्स में राहिल भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए कोई गर्मी की रेसिपी लेके आऊँ। ये डिज़र्ट फूड में शामिल होता है। कस्टर्ड लेके आया हूँ आपके लिए मैं, दूध के बने कस्टर्ड की रेसिपी। ये वो कस्टर्ड, आप कस्टर्ड सुन के भाग न जाएं, ये वो कस्टर्ड नहीं है जो आप घर में बना लेते हैं। तो ये कमर्शियल रेसिपी है, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और जो शादी ब्याह में कस्टर्ड बनाया जाता है उसकी तरकीब आपको मिलने वाली है। उसके सारे राज आपको बताए जाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे सब्सक्राइबर हम इंशाल्लाह नज़दीक होने वाले हैं 1,000 के, जो यूट्यूब के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अगर पसंद आए। तो वीडियो देखने के बाद ही आपने फैसला करना है कि आपने शेयर करनी है, लाइक करनी है या नहीं करनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने दूध लिया है, 3 लीटर दूध है। चीनी लिया है 450 ग्राम। 1 लीटर दूध के लिए 150 ग्राम चीनी चाहिए मुझे। और खुश्क दूध लिया है, ये बहुत लाजमी जुज है इसका। तो ये मैंने लिया है 6 चम्मच, 6 खाने वाले चम्मच लिए हैं मैंने ये। कारण ये सॉरी कस्टर्ड पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 3 से 4 चम्मच। इसके अलावा वनीला एसेंस, ऑरेंज कलर और करन फ्लोर चाहिए मुझे। तो आपको तरीका दिखाते हैं कि किस तरह ये बनाई जाएगी। सबसे पहले आपने ये जो खुश्क दूध है, सबसे पहले आप इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि ये हल हो जाए इसमें। जितना खुश्क दूध होगा तकरीबन उससे ऑलमोस्ट डबल पानी लगेगा इसमें। इसको मिक्स करना है अच्छे से, बिल्कुल ही सही तरह मिक्स करना है। इसमें गिल्टी नहीं होनी चाहिए, अगर गिल्टी होगी तो वो फिर आपके कस्टर्ड में भी थोड़ी थोड़ी गिल्टी आ जाएगी। तो इसमें गिल्टी नहीं होनी चाहिए। आप चम्मच चलाते रहें या आपके पास बीटर हो तो बीटर से इसको मिक्स कर लें तो बड़ा बेहतरीन मिक्स हो जाता है। जी नाजरीन, ये अच्छे से खुश्क दूध इसमें मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें करन फ्लोर डालने लगा हूँ। करन फ्लोर मुझे 3 चम्मच चाहिए। 3 किलो दूध में 3 भरे हुए चम्मच, खाने वाले चम्मच करन फ्लोर के। सॉरी, मैं करन फ्लोर मिक्स करने लगा हूँ, मजीद पानी ऐड नहीं किया है इसमें। ये इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दें। ये जी एक पतीला ले लें, पतीले में दूध डाल दिया है। नीचे आंच आपने मीडियम रखनी है, बहुत तेज नहीं रखनी। मेरे पास तो लकड़ी है, आप गैस पे बना रहे हैं तो गैस का फ्लेम दरमियाना रखें। और इसमें ये खुश्क दूध और जो हमने करन फ्लोर मिक्स करके रखा है, ये मिक्सचर इसी ठंडे दूध में ही डाल देंगे। ठंडे से मुराद रूम टेम्परेचर है, ये कोल्ड नहीं है बिल्कुल भी, रूम टेम्परेचर वाला दूध है। कोशिश करें दूध को एक दफ़ा बॉयल करके ठंडा करके उसके बाद इस्तेमाल करें। अगर ना भी करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, थोड़ा बहुत जायके में फ़र्क पड़ जाता है। इसको मिक्स करने के बाद चम्मच आप हिलाते रहें इसमें, ये नीचे बैठ जाता है जाके खुश्क दूध और करन फ्लोर, तो ये नीचे जलने का खतरा है। जब तक इसको बॉयल आता है तो मैं आपको मजीद प्रोसीजर दिखाता हूँ कि बॉयल, जब तक ये बॉयल ना आए आपने चम्मच हिलाते रहना। जी नाजरीन, जो 3 किलो दूध था उसमें से तकरीबन मैंने 150-200 ग्राम दूध बचा लिया था। उसमें अब ये मैं
कस्टर्ड पाउडर जो है मेरे पास तकरीबन ये 3 चम्मच 3.5 चम्मच है, यानी 1 चम्मच भरा हुआ पर केजी के हिसाब से। ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसको मिक्स करके अभी रख लेना है ताकि ये बहुत ज़रूरत काम आ सके। इसको भी सही तरह मिक्स करना है, इसमें गिल्टी नहीं होनी चाहिए, और ये रूम टेम्परेचर वाले दूध पे ही मिक्स करना है, इसको गर्म दूध में मिक्स नहीं करना। जी नाज़रीन, ये दूध को बॉयल आ चुका है, जैसे ही पहला बॉयल आया है अब देखें आप यहीं पे भी दूध गाढ़ा है। यही सारा राज था जो अपना कमर्शियल और घर के कस्टर्ड में फ़र्क है, तो ये राज आपके सामने आ गया कि अभी ही ये दूध गाढ़ा है। जैसे ही इसको 1-2 बॉयल आ जाएं तो इसमें चीनी जो 450 ग्राम हमने तोल के रखी थी इसको डाल देंगे। ये 150 ग्राम चीनी पर केजी दूध के हिसाब से ऐड होगी इसमें। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है बेशक ज़्यादा डाल लें, ये एक नॉर्मल मीठा आजकल जैसे खाया जाता है, आजकल बहुत तेज़ मीठा कोई नहीं पसंद करता, तो उस हिसाब से है ये। चीनी को मिक्स कर देंगे, फ्लेम को अब थोड़ा कम ही रखना है कि दूध बॉयल हो के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी जैसे चीनी मिक्स करने से थोड़ा सा बॉयल कम हुआ है तो मैं इसमें वनीला सेंस डालने लगा हूँ, ये तकरीबन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा है। तो आपके पास ये ना भी हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कि आपका कस्टर्ड भी जायका दे सकता है। वैसे कोशिश करें, ये घर में वैसे होता ही है कि ज़रूरत होती है, कभी बिस्किट्स में डालना होता है, कभी केक्स में डालना होता है, तो इस तरह ये ज़रूरी आइटम है। आप छोटी बोतल भी ले सकते हैं, हमारे पास तो ये बड़ी बोतल है, ये 500 ml वाली बोतल है, छोटी 25 ml वाली भी मिल जाती है, 50 ml वाली भी मिल जाती है मार्केट से। आपके शहर में जो भी असेंस मार्ट हो वहाँ से आसानी से ये चीज़ें दस्तियाब होती हैं। जी नाज़रीन, ये दोबारा बॉयल आ चुका है चीनी के बाद दूध को, तो अब इसमें हम जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था वो दूध ऐड करेंगे इसमें, लेकिन इससे पहले उसको हिला ज़रूर लेना है कि उसमें भी जो है पाउडर जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। हिलाने के बाद अब इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ और साथ ही साथ चम्मच चलाता रहूँगा, चम्मच नहीं रुकना चाहिए वरना इसमें गिल्टियाँ बन जाएंगी। ले जी, ये मिक्स हो गया, अब ये मजीद गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी इसको हम लो फ्लेम पे ऐसा ऐसा पकाएंगे कुछ देर। ये तकरीबन 8-10 मिनट लाजमी पकना चाहिए लो फ्लेम पे, अगर फ्लेम हाई कर देंगे तो ये फ़ौरन से पहले गाढ़ा हो जाएगा, और इसके बाद आपको जितना गाढ़ा चाहिए हो जो जिस तरह का पसंद करे उस टाइप में आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपने इसमें फ्रूट वगैरह ऐड करने हैं, केला सेब ऐड करते हैं लोग, अगर वो ऐड करने हैं तो फिर इसको थोड़ा नरम ही उतारिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, जिसमें फ्रूट होते हैं वो नरम बनाया जाता है, बुज़ुर्गों के लिए बनाते हैं तो अक्सर नरम ही बनाते हैं कि ना पीने जैसा हो और ना ही बिल्कुल ही रबड़ी बन जाए खाने के जैसा, अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये रबड़ी बन जाएगा खाने के लिए, रबड़ी कस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, पहले 1-2 बूंदें डालेंगे, जिस हिसाब से हमें कलर पसंद आएगा वहाँ पे हम इसको रोक देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह अच्छा कलर आ चुका है, हमें इसमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कलर की। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे आस्ता आस्ता। एहतियात रहे कि यहाँ पे चलाते ज़रूर रहें, फिर ये कहेंगे जी आपने के भट्टी साहब ने तो छोड़ दिया था, तो हम भी इसको हिलाते हुए छोड़ देते हैं। ये मैं थोड़ी अपनी लकड़ी की आग कम करने गया था तो ये ज़्यादा हो रही थी, लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है। ये देखें नाजरीन, इसको पकते हुए तकरीबन 8-10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तो
ये इस थिकनेस पे आ चुका है, आप देख सकते हैं ये इस तरह। अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे, डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये नाजरीन इसको डिश आउट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। आप डिश लें, बॉयल लें, जिस तरह आपने इसको पेश करना हो उस तरह आप इसको ले सकते हैं। तो जी ये डिश में डिश आउट करने के बाद आप इसमें बादाम जो है मेरे पास, ये बादाम आप इसमें क्रश करके डाल सकते हैं। ये मैं लेट हो गया हूँ, ये पहले क्रश करे हुए पड़े हों तो ज़्यादा बेहतर है, आप इनको क्रश करके रख लें। ये जल्दी से ही आपने इनको लगाना है इनके ऊपर, ताकि ये जो स्किन बन जाती है कस्टर्ड के ऊपर, वो स्किन बनने से पहले ही ये गार्निश करने चाहिए। आपके पास इसके अलावा पिस्ता हो, काजू हो, जो चीज़ भी आपने इसके ऊपर ऐड करनी है वो आप गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही आना भाई जी। तो जनाब ये हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो गया है, इसको फ्रीज़र में रखें, कूल करें और फिर मेहमानों को पेश करें, चाहें तो अपने टूर पे साथ लेकर जाएं।